धन्यवाद प्रियव्रत जी। हमारे जिला कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष प्रकाश पुरोहित जी, पूर्व सांसद माननीय नारायण सिंह जी, हमारे भूतपूर्व विधायक डॉक्टर राम प्रसाद दांगी जी, हमारे भूतपूर्व विधायक बापू सिंह तंवर जी, जिला परिषद के अध्यक्ष चंद्र सिंह सोंदिया जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण और भाटखेड़ा के सभी आदरणीय भाइयों और बहनों, आपके सामने बहुत सारी बातें बताई गई है। मैं तो एक ही बात कहने आया हूं, पहला चुनाव राजगढ़ से मैं लड़ा 1984। उसके पहले राजगढ़ के मतदाता ये नहीं देखते थे कि उम्मीदवार कौन है। कोई बंबई से आता था तो कोई कर्नाटक से आता था, और संसद का चुनाव जीतकर और फिर लौट के नहीं आता था। उस हालात में मैंने पहली बार 84 का चुनाव लड़ा था और आपने मुझे भारी बहुमत से सांसद बनाया, और उन 5 सालों में मैंने आपके साथ पारिवारिक एक रिश्ता कायम किया। कोई नहीं कह सकता कि मैंने दौरे नहीं किए, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने उनके लिए काम नहीं किया। उसके बाद 91 में फिर सांसद बना और उसके बाद मुख्यमंत्री बन गया, और मुख्यमंत्री के रूप में जो कुछ राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में हो सकता था मैंने मंजूर किया। रामगंज मंडी से भोपाल रेलवे लाइन, सिंचाई के यहाँ पे जितने भी बांध बने हैं मैं सबकी स्वीकृति, नारू बहुत होता था उसका, उसको समाप्त किया गया, अस्पताल खोले, स्कूल खोले, कॉलेज खोले, और पूरे तरीके से एक जीवित संपर्क आपके साथ कायम किया। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे घर के द्वार पर आया हो और मैंने उसकी बात ना सुनी हो। साथियों, न केवल निजी तौर पर लेकिन सरकारी तौर पर भी गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारियों के लिए मैंने नियम बनाए, कानून बनाए, किसानों को मुफ्त में बिजली दी, गरीबों के घर में मुफ्त बिजली दी, आपके पिछड़ा वर्गों को आरक्षण दिया। जितने हमारे पिछड़ा वर्ग हैं यहाँ पर, चाहे दांगी हो, चाहे गुजर हो, चाहे सोंदिया हो, चाहे धाकड़ हो, इन सबको साथ में, कारपेंटर हो, विश्वकर्मा हो, खाती हो, इन सबको मैंने अवसर दिया। पंचायतों के अंदर अधिकार दिए, नियुक्ति के अधिकार दिए, आपके अविवादित नामांतरण बंटवारे के अधिकार आपको दे दिए पंचायतों को। मैं कई सरपंचों से पूछता हूं कि अब का सरपंच राज और पुराने सरपंच राज में क्या फर्क है, कहते साहब आपके जमाने में तो हमने सरपंची की है लेकिन अब सरपंची हम लोग नहीं करते हैं, अब सरपंची जो है अधिकारी कर्मचारी करते हैं, हमारा पास कोई अधिकार नहीं है। ये पूरे तरीके से आज पंचायती राज समाप्त कर दिया गया। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपके सांसद महोदय ने क्या किया नहीं किया, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आखिर संसद में उन्होंने राजगढ़ के लिए क्या कहा हमें बता दें, राजगढ़ के लिए इन्होंने क्या किया ये हमें बता दें, और राजगढ़ जिले के लिए, राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से या केंद्र सरकार से कौन सी योजना हमारे पास ले आके दी ये हमें बता दें। मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि मैं पूरे तरीके से आप लोगों के साथ हूं और आपको वादा करता हूं कि 1.25 महीने की मेहनत आपकी है, 5 साल तक आप घर पे बैठना।